गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यू टाइप ऑफ फार्मूलेस. अभी मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूले जो थे, 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे. एक आपको साइन इनवर्स के सेंस में, एक कॉस इनवर्स के सेंस में, एक टेन इनवर्स के सेंस में, और एक आपको 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला पढ़ाया था. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उसकी डोमेन है उसको मेन ध्यान कैसे रखना है. जिस तरीके से मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे डोमेन को ध्यान रखना है, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी. ट्रिक कह लीजिए या आपकी हेल्प कह लीजिए, कि मैं आपकी हेल्प इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को ये ज़रूर याद होना चाहिए कि किस डोमेन के अंदर कौन सा आंसर आ रहा है. क्योंकि अगर बच्चों को डोमेन के बारे में नहीं पता होगा, अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस डोमेन का आंसर ये आ रहा है और इस डोमेन का आंसर आपका ये आ रहा है, तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे, आप लोग गलत कर देंगे. इसीलिए मैं बच्चों को इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता लगे कि किस डोमेन के अंदर कौन सा आंसर आता है. अभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले थे और 3 tan इनवर्स x का फार्मूला था. उसमें एक खास बात अगर आपने देखी होगी तो उसमें जो डोमेन थी वो आपकी r थी. वो अलग चीज़ है कि उसमें कहीं कहीं कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं था, जैसे 1 और माइनस 1 इंक्लूड नहीं था, 1/√3 और 1 − 1/√3 इंक्लूड नहीं था एक आध जगह. तो मैंने आपको उसको समझाने का, उसको याद करने का तरीका भी सिखाया था कि आप किस तरीके से वहाँ पर आपको ध्यान रखना है. और आपने खास बात देखी थी 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले और 3 tan इनवर्स एक्स के फार्मूले में, आपने देखा कि जो भी डोमेन थी वो एक तरीके से आपकी रियल नंबर थी. वो अलग चीज़ है कि कुछ पॉइंट कहीं कहीं आपके मिस थे, क्योंकि जहाँ जहाँ आपका सेंस था 10 इनवर्स का, वहाँ वहाँ पे मैंने वो पॉइंट को आपको हटा दिया था. लेकिन एक जगह आपको याद होगा जहाँ पर मैंने साइन इनवर्स का सेंस लिखा था, तो वहाँ पर मैंने -1 और 1 को इंक्लूड किया था, लेकिन वो सेंस किस में था, साइन इनवर्स में था. तो मैंने आपको बीच बीच में आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप कैसे डोमेन को याद रखिए. अब मैं आपको 2 sin इनवर्स एक्स के फार्मूले और 3 sin इनवर्स एक्स का फार्मूला और 2 cos इनवर्स एक्स और 3 cos इनवर्स के एक्स के फार्मूले कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कस करूँगा. सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप ध्यान से देखिए कि 2 sin इनवर्स एक्स का फार्मूला जो यहाँ पर है, मैंने आपसे कहा कि फार्मूला प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. मैं अभी आपको बता दूंगा और आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा. फार्मूला प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस डोमेन पर कौन सा फार्मूला रहेगा, ये आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा. तो मैं 2 sin इनवर्स एक्स के बारे में आपकी हेल्प करता हूँ. ये हेल्प मैं आपको केवल फार्मूलों के डोमेन को याद करने के सेंस में समझा रहा हूँ. फार्मूला तो प्रूफ करना बहुत आसान है, मैं आपको फार्मूला प्रूफ करना बता दूंगा, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ तो डोमेन को ध्यान रखना है ना, मेन डोमेन को ध्यान रखना है. तो आइए देखते हैं. पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 2 sin इनवर्स एक्स के फार्मूले, ये जो आपके 3 लिखे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, एक्स इक्वल टू साइन थीटा. वी नो दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. अब आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा को आपने एक्स माना है, तो आपको पता है √1 − sin²θ आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है. तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका साइन 2 थीटा आ गया, 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 − x². थीटा की जगह आप वापस वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका ये प्रूफ हो गया.
मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रूफ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये प्रूफ तो कोई भी बहुत आसानी से प्रूफ कर सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको किस डोमेन पर कौन सा आंसर लिखना है। ये प्रूफ तो सभी को पता है कि 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला जो है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आराम से आ जाएगा, वो मैंने आपको समझा दिया। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत बड़ा काम भी मैंने नहीं किया आपको कि मैं ये फार्मूला आपको प्रूफ करा रहा हूँ। मेन चीज़ आपको समझाने की ये है कि उसकी डोमेन आप कैसे याद करें, उसकी जो डोमेन है वो आप कैसे याद करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए ध्यान से, इसकी डोमेन को याद करने का तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर साइन 2 थीटा है, ठीक है, तो आपको मैं डोमेन याद करने का तरीका सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि जब आपने 2 tan इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x के फार्मूले पढ़े थे तो वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ आपने देखी थी डोमेन क्या था, r था। लेकिन आपको पता है कि साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो आपकी माइनस वन से वन होती है, यानी कि यहाँ जो भी काम हो रहा होगा वो माइनस वन से वन के बीच में हो रहा होगा। वहाँ पर किस में हो रहा था, वहाँ पर आपका पूरी रियल नंबर लाइन में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो आपका माइनस वन से वन के बीच में हो रहा है और माइनस वन और वन इंक्लूड होता है। आप सभी को पता है कि साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो माइनस वन कॉमा वन क्लोज इंटरवल होती है, यानी कि अब की बार जो भी आपको काम करना है साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, जो भी काम करना है वो माइनस वन से वन के बीच में करना है। तो एक तो हमें लगभग ये समझ में आ गया कि जो इसकी डोमेन होगी, जो डोमेन की बाउंड्रीज होंगी वो माइनस वन और वन होंगी, ये हमें डोमेन की बाउंड्रीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखिए कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपकी 1/√2 होती है। तो बस अब आप क्या काम करिए, इसमें 1/√2 को इंक्लूड कर दीजिए और अपने इंटरवल को बनाने की कोशिश करिए। तो एक इंटरवल आपका बनेगा माइनस वन से माइनस 1/√2, ठीक है, फिर दूसरा इंटरवल बनेगा माइनस 1/√2 से 1/√2, और फिर तीसरा इंटरवल बनेगा 1/√2 से 1 के बीच में, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा माइनस वन और वन को मैंने क्लोज्ड किया है और ये सब भी क्लोज्ड हैं, आप ध्यान दीजिए ये सब क्लोज्ड हैं, यानी कि ये ग्राफ जो है कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल कंटिन्यूअस बन रहा होगा इस टाइप से, कहीं ना कहीं पूरा पूरा ऐसे बन रहा होगा, कहीं ना कहीं पूरा पूरा कंटिन्यूअस होगा ग्राफ, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको केवल आपकी हेल्प के लिए समझा रहा हूँ कि डोमेन कैसे याद करें आप। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, आपने ब्रेक कर दिया, अब आपको इतना पता लग गया कि इसके बीच में कोई दो पॉइंट इंक्लूड हैं, एक माइनस वन अपॉन रूट टू और एक 1/√2, मैंने इसको बीच में यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब याद करिए, आपको मैंने बताया था कि अगर आपको साइन इनवर्स के सेंस में लिखना होता है तो मैंने आपसे कहा था, या अगर आपको याद आ रहा होगा तो सर, आपको पता होगा सर ने बताया था माइनस पाई माइनस और पाई माइनस, याद करिए माइनस पाई माइनस और पाई माइनस के सेंस में लिखा जाता है अगर हम साइन इनवर्स के सेंस में लिखते हैं। तो बिल्कुल वही काम मैंने किया, माइनस पाई माइनस दिस, फिर ये आपका स्टैंडर्ड हो गया और ये आपका पाई माइनस हो गया। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसकी डोमेन को याद कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको इसके डोमेन को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको याद तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैंने हिंट दे दिया है कि आप किस तरीके से याद करिए कि आप ये तीनों कंडीशंस आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब मैं आपको ये एक फार्मूला एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ था, ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको भी अपने लेक्चर में शामिल किया है, तो मैं आज अभी आपको इसको समझाता हूँ। इसमें तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ये 2 cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, आप कहेंगे सर ये तो फार्मूला ये होता है लेकिन आपका ये कैसे आ रहा है, तो वही मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं इस वाले फार्मूले के लिए आपकी उतनी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ये आपके एनसीईआरटी में एक कंडीशन दे रखी है, एक एग्जांपल दे रखा है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको अपने लेक्चर में शामिल कर लिया। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये 2 cos इनवर्स x के इक्वल कैसे हुआ, उसको आप समझ लीजिए। मैंने अब की बार cos इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो x क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा हो जाएगा। आपको पता है sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है,
टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने अब की बार कॉस थीटा की जगह तो एक्स लिख दिया, लेकिन साइन थीटा की जगह अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया। अब आप समझ गए होंगे कि क्या किया गया है, इससे साइन को इधर ले आया, साइन इन्वर्स हो गया और थीटा की वैल्यू वापस रख दी टू कॉस इन्वर्स एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया ये प्रूफ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है आपको डोमेन को याद करना कि किस डोमेन में कौन सा आंसर आ रहा है। मैं उस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको इतने सारे फार्मूले लिखाने की कोशिश की कि आपको कम से कम डोमेन याद हो जाए। तो इसमें तो खैर मैं आपकी कोई बहुत बड़ी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर भी फार्मूला हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला आपका इस वाले कंडीशन पर होगा जिसमें एक्स लाइज बिटवीन वन बाई रूट टू एंड वन। एक्स जो है क्लोज इंटरवेल होगा वन बाई रूट टू कॉमा वन, एक्स बिलोंग्स टू वन बाई रूट टू कॉमा वन क्लोज इंटरवेल। ये इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई मैं खास आपकी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि 2 cos inverse x इक्वल टू ये कैसे आया, sin inverse 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर कैसे आया, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि x बिलोंग्स टू 1 बाई रूट टू कॉमा वन क्लोज इंटरवेल। देखिए ध्यान से, अब आप देख रहे हैं कि 3 sin inverse x का फॉर्मूला आ गया। 2 साइन इनवर्स x के सेंस में मैंने आपको बताया और 3 साइन इनवर्स x के सेंस में बताया कि जो डोमेन याद करने का तरीका है वो तो मैंने आपको सिखा दिया कि माइनस वन से वन के बीच में होगी, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स x हो चाहे आपका कॉस इनवर्स x हो, इसकी जो डोमेन होती है वो आपकी माइनस वन से वन के बीच में होती है। तो ये तो पता है कि अब आपको माइनस वन से वन के बीच में आपको कुछ ना कुछ क्या कहते हैं पॉइंट देखने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 आ रहा है और माइनस 1/2 आ रहा है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, आप साइन 30 की वैल्यू याद कर लीजिए। यही इंटरवल आपके कॉस इनवर्स एक्स में भी आ रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, यही इंटरवल, मैंने क्या बोला इंटरवल, यही इंटरवल आपके कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी आ रहे हैं, 3 कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी आ रहे हैं। तो आपको ये एक उससे आपके दोनों फार्मूले का जो आपका डोमेन है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको यहां पर माइनस वन बाई टू और वन बाई टू को इंक्लूड करना है, ठीक है। दोनों ही थ्री साइन इनवर्स एक्स और थ्री कॉस इनवर्स एक्स में जो डोमेन होगी वो आपकी समझ लीजिए माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में जो है ये आप और इंसर्ट कर दीजिए। यहां पर आपने क्या इंसर्ट किया था, 2 साइन इनवर्स एक्स में माइनस वन से वन के बीच में आपने 1/√2 माइनस 1/√2 और 1/√2 को आपने इंसर्ट किया था। यहां पर भी आपने दो वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया, माइनस 1/2 और 1/2। ये मैं केवल आपको याद करने की ट्रिक समझा रहा हूं कि आप किस तरीके से फार्मूले को याद करें। अब आप ध्यान से देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला कैसे प्रूफ होगा। देखिए ध्यान से, एक्स थीटा को आप मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये आपका आ गया 3x माइनस का 4x क्यूब, ये साइन इनवर्स हो गया 3x माइनस का 4x क्यूब और ये 3 थीटा, थीटा की जगह आपने वापस वैल्यू रख दी और आपका ये आ गया। मैंने आपको बोला कि ये फार्मूला प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। मेन चीज़ है कि किस डोमेन पर कौन सी चीज़ आएगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको मैंने बता दिया कि साइन 30 माइनस 1/2 1/2 को और इंसर्ट कर दीजिए और 3 इंटरवल आप बना लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, माइनस वन से वन बाई माइनस 1/2, माइनस 1/2 से 1/2 और 1/2 से 1। और देख रहे हैं आप माइनस 1 और 1 पे मैंने क्लोज कर रखा है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि सर ने, और यहाँ पर कहीं भी जो है कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ पर भी कहीं कोई ब्रेक नहीं था, ठीक है। अब आपको पता है स्टाइल लिखने की क्या होती है, माइनस पाई माइनस आप नीचे से स्टार्ट करिए, माइनस पाई माइनस, फिर उसके बाद ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जिसको मैं स्टैंडर्ड बार बार बोलता हूँ, और ये आपका हो गया पाई माइनस साइन इनवर्स दिस। लिखने का तरीका आपको पता ही था कि माइनस पाई माइनस फिर स्टैंडर्ड और फिर पाई माइनस करके लिखा जाता है साइन इनवर्स के सेंस में। तो आई थिंक ये भी आपको कम से कम याद हो गया होगा कि ये किस तरीके से आपको लिखना है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फार्मूलों की, जो आपका 2 cos inverse x है और 3 cos inverse x है, इसके बारे में बात करता हूँ।
ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी मैंने आपको बताया कि कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो आपकी माइनस वन से वन के बीच में होती है, यानी कहीं ना कहीं इसमें जो है आपका माइनस वन से वन के बीच में होती है। तो यहां पर आपको मैं यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको ये तो समझा दूंगा कि ये कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसे आया, ये आपको समझ रहे हैं। और यहाँ पर केवल दो ही कंडीशन हैं, आप बाकी फार्मूलेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर सब में तीन तीन कंडीशन आ रही है, लेकिन यहाँ पर केवल दो ही कंडीशन हैं। तो मैं कोई बहुत खास आपकी हेल्प यहाँ नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर आपको डोमेन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक माइनस वन से जीरो इंक्लूडेड और जीरो से वन, इतना ही मैं हेल्प आपकी कर पाऊँगा इस वाले फार्मूले के लिए। लेकिन हाँ, ये बता दूंगा कि ये कैसे आया है। लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपको पता है कॉस टू थीटा का फार्मूला कॉस थीटा के सेंस में क्या होता है, ये होता है। तो ये आपका आ गया, यहाँ से आप कॉस इनवर्स लिख लीजिए इधर, ये आपका, और यहाँ पर आप टू थीटा लिख लीजिए, थीटा की वैल्यू आपकी टू कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया आपका। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि फार्मूले प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये मैंने आपको ये बता दिया। मेन चीज़ है डोमेन कौन सा होगा, ये आपको इस वाले फार्मूले में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि अगर स्टैंडर्ड आ रहा है, अगर आपका स्टैंडर्ड आ रहा है तो ये जीरो से वन के बीच में होगा, और अगर आपका टू पाई माइनस का कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है तो वहाँ पर जो आपका इंटरवल होगा वो माइनस वन से जीरो के बीच में होगा। तो आपको कहीं ना कहीं इस वाले फार्मूले में भी कहीं ना कहीं आपको इतना मैंने बता दिया कि माइनस वन से जीरो के बीच में होगा। दो केस होंगे इसमें, तो एक केस माइनस वन से जीरो के बीच में लिख लीजिए, एक केस जीरो से वन के बीच में लिख लीजिए, जीरो से वन के बीच में स्टैंडर्ड लिख लीजिए और माइनस वन से जीरो के बीच में टू पाई माइनस लिख लीजिए। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि टू पाई माइनस आएगा। अब मैं बात करता हूँ थ्री कॉस इनवर्स एक्स, इसमें आपको मैंने बताया था कि आपको जैसे थ्री साइन इनवर्स एक्स के इंटरवल थे, वही इंटरवल का यूज मैंने यहाँ किया, यानी कि इतनी चीज तो आपको बिल्कुल इंटरवल को तो कुछ ध्यान ही नहीं देना है कि ये इंटरवल होगा। देख लीजिए बिल्कुल सेम इंटरवल आ रहा है, माइनस वन से वन, माइनस वन बाई टू, वन बाई टू से वन बाई टू, वन बाई टू से वन, बिल्कुल सेम इंटरवल आ रहा है, यानी इतनी चीज़ तो आपको नहीं ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर भी कॉस इनवर्स में थोड़ा सा फार्मूले लिखने की स्टाइल अलग है। देख रहे हैं आप यहाँ पे टू कॉस इनवर्स एक्स में केवल दो ही कंडीशन थी, पहली कंडीशन टू पाई माइनस कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और दूसरी कंडीशन स्टैंडर्ड थी। यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग है टेक्निक, इसीलिए ये दोनों फार्मूले मैं स्पेशल मानता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये स्पेशल फार्मूले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, इसका प्रूफ तो मैं बहुत आसानी से बता दूंगा आपको, क्योंकि कॉस थ्री थीटा का फार्मूला होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस का थ्री कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया फोर एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स, ये आप इधर लिख लीजिए कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, और थ्री थीटा की वैल्यू थ्री कॉस इनवर्स एक्स आ गई। तो आप ये फार्मूला, मैंने आपको बार बार बोला कि ये फार्मूला प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है कि कौन सी डोमेन पे कौन सा आंसर लिखा जाएगा। ये मैं बार बार, आप देख रहे हैं कि मैं बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको मेन चीज़ क्या है कि कौन सी डोमेन पे कौन सा आंसर लिखना है। अब खैर, आपको इंटरवल पता लग गया कि इसमें तीन इंटरवल हैं और बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे कि साइन इनवर्स एक्स में है, थ्री साइन इनवर्स एक्स में है, तो इतना चीज़ तो आपको पता लग गया। लेकिन अब यहाँ पर किस तरीके से स्टार्ट करना है ये थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान से समझिएगा। 2 पाई प्लस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये आपका इंटरवल माइनस वन से माइनस वन बाई टू के बीच में होगा। उसके बाद माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में आपका 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा ये 2 cos इनवर्स x और 3 cos इनवर्स x के फार्मूले थोड़ा डिफरेंट हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे केवल दो ही कंडीशंस हैं, 2 पाई माइनस है और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड है, यहाँ पर 2 पाई माइनस है और उसके बाद cos इनवर्स है, यानी इसके नीचे एक और कंडीशन 2 पाई प्लस की भी है 3 cos इनवर्स x में। तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि फार्मूले आप किस तरीके से याद रखें। मैं बार बार इन फार्मूलों को फोकस इसलिए कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि सर एनसीईआरटी में तो केवल इतना ही दे रखा है, इतना तो दे रखा है, लेकिन अगर जरा भी उसने डोमेन को घुमा दिया
उसने जरा भी डोमेन अगर आपकी ये दे दी, तो अगर आपने ये वाला आंसर लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको डोमेन कौन सी लिखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना।